हत्था चे झंडे चुकी फिर दे किसान किसे सरकार खिलाफ धरना लगाउण दी तैयारी नहीं कर रहे, ना ही किते कोई धरना लगाउण जा रहे ने। सगो ये दोनों यूनियन दे आगू आपस विच गुत्थम गुत्थी हो गए, पर ये आपस विच एक दूजे ते हमला क्यों कर रहे ने, तुसी भी दंग रह गए होवोगे। जी हाँ, मसला ही कुछ अजिहा। मसले बारे भी तुहानू पूरी जानकारी देवांगे। सब तो पहला एक झात मार दिया इस जंग दीआं तस्वीरां ते। सदा दे कि दो धिरां दे विच जमीनी विवाद चल रहा सी, जिस नूं लै के एक धिर वल्लों किसान एकता उगराहां ते दूसरी धिर वल्लों किसान यूनियन डकौंदा दे आगू सन, ते माहौल गर्म हो गया। आओ पहला सुनदे आं VKU उगराहां दे ब्लाक प्रधान दा बयान। देखो, असीं कल जदों आए हां रोड दे उत्तों दी आ रहे हां, कोई जमीन दे विच एंटर नहीं होया सी। उत्थे सड़क दे उत्ते सानूं घेर के कल साडी गड्डी मतलब डंडे आ शीशा भन्निया, मेरे खोदा मारियां इत्थे, मेरे आ खोद वजे इत्थे खून होया, मतलब गुट दे उत्ते जिहड़ी कल गड्डी रोकी गई आ। हांजी, ओह कौण सीगे ते किसानी झंडे वी सी उहनां दे विच? हांजी, ओह उहनां दा सारा परिवार ते किसान आगू उहनां दे विच कोई नहीं, जथेबंदी दा सिर्फ किसानी झंडे नजर आ रहे ने। हां, ना सिर्फ ओह डकौंदे वाले झंडे ते, बिल्कुल नवें झंडे सानूं भी कित्थों लै के आए ने। ओह जाणदी परिवार ही ती उहनां दा, गड्डी मूहरे लिटदे ते मतलब कोई सोटियां मारियां, ओह साडा गड्डी दा शीशा भन्ने पैसा कुछ करिया। मैं उन्होंने कहा भी असं सीधे रास्ते जा रहे हैं, सड़क के उपर दी जा रहे हैं, छोटा है, गलत कम है। गड्डी किसी के उपर चढ़ी भी है? नहीं, गड्डी बिल्कुल नहीं चढ़ी हैगी। देखो, वह उन्हों का गलत मतलब वो है, वह मेरा उन्होंने, मैं तो गड्डी चलाउणी नहीं जानता हैगा। जानदी वह गड्डी के मूहरे पाए थे तो वह जनानियां ने साडियां खिच के परां करी है गड्डी तो, कोई गड्डी नहीं तो चढ़ी हैगी। असी फिर वह मतलब उन्होंने रोक के जिहड़ा साडा काफला सारा असी लंघाया उत्थों दी। इस करके कल बहुत जथेबंदियां धक्केशाही की उन्होंने, मतलब जथेबंदी की आड़ दे विच वह झंडे लेके खड़े ने जोड़े, वो मतलब जथेबंद आड़ दे साडी जथेबंदी नाल विरोध किया उन्होंने बहुत। इस करके असी साडे हक च फैसला होया है, जमीन साडी है, आ साडी बच्ची ने बाजरा बीजा होया, दो पानी भी ने रेह भी पाया, अज भी प्रशासन फिर धक्का कर रहा साडे नाल। असी कहा भी चलो गरीब वढ लैणगे हरा, उन्होंने वढ दिता हैगा, सरपंच ताड़न लग गया, स्पीकर च बोलता कहना मेरे खेत चो हरा ना वढो। जानदी अइयां जां गल्लां हजे भी ये प्रशासन के जोर ते ये कर रहा है। इस करके साडी जथेबंदी दा फैसला होया भी ये साडे हक च, सारा प्रशासन मान रहा है भी ये साडे हक च फैसला हो गया, इंतकाल करवाउणा बाकी है हजे। जानदी फिर भी वह सानू प्रशासन इत्थों रोक रहा है भी इत्थे तुसीं ना बैठो, इत्थे लड़ाई झगड़ा हो जाऊगा। लड़ाई झगड़ा तो उन्होंने पहला कर लिया साडे नाल। उत्थे ही मौके ते पुलिस टीम पहुंची, SP योगेश शर्मा वालों मामले नूं ठंडा करवाया गया। ये बेसिकली जी एक जमीनी डिस्प्यूट है, अराउंड 17 बीघे जमीन नूं लैके ये डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी लंबा डिस्प्यूट है, 2005 तो यह चल रहा है। एक पासे जिहड़ी पार्टी है गुरचरण सिंह सन ऑफ सरूप सिंह है, जिहड़ी किसान यूनियन डकौंदा हैगी उहनूं सपोर्ट कर रही है। जिहड़ा इहनां दा वर्जन यह है कि इन्हां ने 2005 दे विच बयाना किया 7 लाख रुपए का दूसरी पार्टी के नाल जमीन जमीन संबंधी, तो 2012 दे विच इन्हां ने रजिस्ट्री करवा ली थी बाया कोर्ट, 2017 दे विच इन्हां ने इंतकाल करवाया, तो 2005 तो 6 तो लैके हुण तक ये काबज ने इन्हां दे अकॉर्डिंगली। तो हुण इन्हां दा ब्लेम हैगा दूसरी पार्टी ते कि जिहड़ी दूसरी पार्टी है वह किसान जथेबंदी उगराहां नाल मिल के इत्थे वी साडी जमीन दे विच काबज हो रही है। जिहड़ी दूसरी धिर है वह किरणजीत कौर है, जिहड़ी किसान यूनियन उगराहां उन्हां दी फेवर कर रहे हैगे, तो उहदे विच दूसरी पार्टी का यह कहना हैगा कि जिहड़ी रजिस्ट्री 2005 जां 6 दे विच होई है वह गलत होई है, उहदे खिलाफ़ वह हाई कोर्ट गए सीगे, हाई कोर्ट दे विचों जिहड़ी रजिस्ट्री ते स्टे लग गया सीगा, ते हुण जो इंतकाल होया सीगा दूसरी पार्टी दे फेवर दे विच उहदे खिलाफ़ वह SDM कोर्ट गए सीगे, SDM कोर्ट ने उत्ते इंतकाल ते स्टे लगाती है, ते उस दे तहत ही उन्होंने क्लेम किया कि जिहड़ा साडा इह हक इत्थे जमीन ते बणदा, जिहदे तहत उन्होंने किसान जथेबंदी उगराहां नाल मिल के उत्थे जिहड़ा हैगा धरना लगाया हैगा कल तों, ते उह कंटीन्यूअसली चल रहा हैगा। ते जो इहदे च पुलिस जां प्रशासन वल्लों जो एक्शन लिया गया उहदे च इस संबंधी 4 FIR जिहड़ियां वख-वख धाराएं दे तहत FIR हुण तक रजिस्टर हो चुकियां, रोकू कार्रवाइयां कर चुके हैं, 157 दे कलंदरे दोनों पार्टियां दे असीं दे चुके हैं। हुण भी असीं दोनों धिरां नाल नैगोशिएट कर कीता सीगा, इन्हां नूं समझाया गया सीगा कि इत्थे लड़ाई झगड़ा होण दा खदशा हैगा, जिहदे तहत असीं 145 दे तहत कलंदरा जिहड़ा हैगा उह मूव कर चुके हैं SDM साहब दी कोर्ट दे विच, जिहदे ते प्रोसीडिंग चल रही है।
तो असी किसान जथेबंदियां दोनों किसान जथेबंदियां की लीडरशिप नूं असी अपील करते हैं सीनियर लीडरशिप नूं कि वो इहदे विच इंटरवेन करन क्योंकि उत्थे अगर दोनों क्लेम करते हैं दोनों उत्थे एंटर करते हैं तो उत्थे लड़ाई झगड़ा होने का आसार हैगा तो कोई अणसुखावी घटना ना वापर जे उहदे तहत प्रशासन नूं अपना ऑन मैरिट काम कर देन 145 की जिहड़ी धारा हैगी है जो असी लगा जा रहे हैं थ्रू SDM साहब तो उन्हें एग्जीक्यूट करने के प्रशासन का साथ देन जिहड़ी कोई अणसुखावी घटना ना हो जाए उहदे तहत जिहड़ा हैगा जमीन च इंटरवेन करन तो रोकन ते कोई भी अनलॉफुली तरीके नाल जमीन दे विच कब्ज़ ना होवे जो प्रशासन जिन्हों भी ठीक समझेगा SDM साहब की कोर्ट डिसाइड करेगी ओ पार्टी ऑफ द क्लेम उत्थे करे। सो दस दिए कि किसान यूनियन उगराहां वालों मोर्चा लगा दिता गया देखना होगा कि इस जमीनी विवाद का की फैसला होगा। हकीकत TV पंजाबी लई संगरूर तो अनिल जैन की रिपोर्ट।